वो देखो जरा सामने कितनी लाइन लगी हुई है। एक लाइन लगी हुई है एनएसएलसी की, ठेके की, दारू पीने के लिए यहाँ पर, और एक लाइन लगी हुई है वहां पर ग्रोसरी की, सुपर स्टोर। तो अभी अभी बस सोकर ही उठा हूँ और टाइम हुआ है सुबह का 10:30 हुए हैं और आज मंडे है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मंडे को ही इतनी लेट क्यों उठा है, काम वगैरह नहीं करते क्या कनाडा में, फ्री बैठते हो? करता हूँ भाई, मंडे आज ऑफ है, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है हमारा, तो मंडे आज कुछ है यहाँ पर, पता नहीं क्या है, कनाडा में आता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो इसलिए लॉन्ग वीकेंड है, पेड होलीडे। सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए, जरा जिम जाया जाए और साथ में अपनी ग्रोसरी आज आपको दिखाई जाए कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हर वीक जो मेरी हेल्दी ग्रोसरी होती है ना, जो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं, उसमें मैं क्या क्या बाय करता हूँ और कितने का सामान आता है। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स, जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says I just have to follow that because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. So, हमारे पिछले 4 दिनों से successfully daily vlogs चल रहे हैं। मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि मैं 5 दिन डेली व्लॉग डालूंगा, आज 5वां दिन है। मुझे नहीं पता मैंने कैसे डाले पिछले 4 व्लॉग, मैं आज का व्लॉग भी कैसे डालूंगा, लेकिन हाँ मुझे पता चल गया कि मैं कर सकता हूँ डेली व्लॉगिंग इससे। तो इसलिए अब मैं ऑलमोस्ट हर रोज ये व्लॉग बना रहा हूँ ताकि मेरे पास कंटेंट हो डालने के लिए। तो अगर डेली व्लॉग्स बढ़िया चलते रहे, अगर मैं आज के बाद भी क्रॉस कर गया आगे दिनों के लिए, तो मैं और ज़्यादा कंटिन्यू करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं 10 दिनों का चैलेंज रखूं अपने लिए, फिर 15 दिनों का रखूं, फिर 20 दिनों का रखूं, फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैं डेली व्लॉग्स पर आ जाऊंगा। ये एक आप सबके लिए भी सलाह है, अगर कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करो, छोटी सी चीज़ से, एक बिल्कुल एक छोटा सा स्टेप लो, 1 step at a time। फिर ट्राई करो कि एक दिन जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करो, फिर थोड़ी थोड़ी करो। व्लॉगिंग मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है, वीडियोस बनाना ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए मैं इन पर अपनी ज़्यादा मोटिवेशन डालता हूँ, इनमें मैं अपनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन डालता हूँ। तो अभी जो मेरी खास जो ग्रोसरी होती है ना, वो होती है 2 हफ्तों में एक बार में भी, लेकिन वो बड़ी बड़ी ग्रोसरी जो ग्रोसरी होती है जिसमें हमें आटा वगैरह लेकर आना पड़ता है, चावल वगैरह लेकर आने पड़ते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ग्रोसरी होती है ना, जो मैं ऑलमोस्ट हर रोज ही खाता हूँ, तो वो तो आती ही रहती है हफ्ते में 4-5 दिनों में एक बार। और बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आता हूँ। तो जिम मैं कोई इतना डाइट कॉन्शियस बंदा नहीं हूँ, अगर आपको सच में बताऊँ, मैं इतना कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं जो मिलता है वो खा लेता हूँ मोस्टली, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ फिर भी जो मैं खा रहा हूँ वो, अगर मैं उसको इग्नोर करके हेल्दी खा सकता हूँ, तो फिर क्यों ना मैं हेल्दी खाऊँ, कुछ तो फ़ायदा हो, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ ये वाली चीज़। और हाँ, जिम में डेली नहीं जाता, जिम मेरा जब टाइम लगता है मैं तब जाता हूँ। कभी कभी मेरा मोस्टली काम सुबह 9 to 5 होता है, तो शाम को कभी कभी जाता हूँ मैं, जब मेरा ऑफ होता है तब सुबह जाता हूँ, लेकिन डेली नहीं जाता। अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि इन्फ्लेशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है और हर एक चीज़ के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर किसी ने घर वगैरह भी लेने हैं, कनाडा ने पीछे थोड़े टाइम पहले इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, तो उससे अगर किसी ने घर लेना है तो फिर उन्होंने फाइनेंस करवाना है अपना घर, लोन लेना है तो फिर उसी लोन पर उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगेगा। और इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोसरी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं कह सकते $5 वाली चीज़ $10 की होगी, लेकिन अगर एक चीज़ का भी प्राइस उन्होंने 50 सेंट्स या $1 $1.50 बढ़ा दिया, तो फिर ये सोचो कि सारी चीज़ें जब मिलाकर लेनी होती है तब कितने ज़्यादा प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो आज मैं आपको यही सब दिखाऊंगा वहां पर कितने कितने प्राइसेज है, कौन कौन सी चीजों के जो मैं लेता हूँ मोस्टली। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स भी चेक कर सकते हो, उनमें काफी ज्यादा प्राइसेज कम था। मैं खुद जब ग्रोसरी करने जाता हूँ ना, तब मुझे फील होता है कि मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो अभी लेट्स चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फ्रिज को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या नहीं है। ये पिज्जे को छोड़ो, पिज्जा कल ही खाया था,
तो कभी कभी चले जाता है जैसा मैंने आपको कहा। तो सबसे बड़ी चीज जो हमें चाहिए होती है वो है एग्स। एग्स तो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं उनमें से 5 दिन तो मेरे एग्स ही चलते हैं। और इसके अलावा बाकी फ्रूट्स वगैरह भी मैं काफी खाता हूँ। फ्रूट हमारे पास ऑलमोस्ट है सारे, लेकिन वहां पर जाकर आपको प्राइसेस दिखाऊंगा। एप्पल भी है हमारे पास, ब्रोकली भी पड़ी हुई है अभी तक तो, और इधर ग्रेप्स भी है, और ये बब्बू को शाह हम इसको कहते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये भी है। और इसके अलावा और चिकन हमारे पास इतना पड़ा हुआ है, तो चिकन मैं भी लेकर आऊं या ना लेकर आऊं, क्योंकि चिकन ये पूरे के पूरे चिकन को आज मैं मैरिनेट करके रख दूंगा, फिर उसको बाद में बनाऊंगा। थोड़ा ही टाइम लगेगा जिम तो, क्योंकि लेट हो गया हम काफ़ी, तो जिम जाएंगे पहले, फिर उसके बाद जाएंगे हम ग्रोसरी करने। वर्कआउट हमारा रेडी है, बस अभी निकलते हैं जल्दी, गर्मी मुझे लगता है बाहर काफी हो गई है। अलेक्सा बाहर टेम्परेचर कितना है? इस समय तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री होने की संभावना है। 22 डिग्री टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज 22 डिग्री होना है, मतलब इसी वक्त सबसे ज्यादा गर्मी है, लेकिन दोपहर होने तक ना काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि धूप पड़ती रहती है फिर फील्स लाइक बढ़ जाता है। काफी बढ़िया मौसम हुआ है बाहर, अभी तो 22 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन बढ़िया लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह सुबह तो यही फायदा होता है बाहर जाने का, ठंडी हवा होती है, तो दोपहर तक तो बुरा हाल हो जाता है, लेकिन गर्मियां कम ही है यहाँ पर, बस अभी खत्म हो जाएंगी, एक महीना हो रहा है मैक्सिमम, फिर उसके बाद सर्दियाँ आने शुरू हो जाएंगी, फिर तो स्नो में तो पता ही है आपको फिर क्या हाल होता है ना। अभी सोचा था हम यहाँ सुपर स्टोर आए थे ग्रोसरी करने के लिए, लेकिन आज यहाँ पर है नेटल डे, तो हमें एक गोरी ने बताया, वो पीछे गाड़ी में जा रही है वो वाली, कहती कि वो 12 बजे ओपन होंगे, अभी 11:30 हुए हैं, तो अभी हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो लॉन्ग वीकेंड्स का यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कनाडा में यही होती है, या तो सारा कुछ बंद होता है या तो लेट ओपन होता है। तो अभी मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं ग्रोसरी करूंगा वहां से पीछे सुपर स्टोर से, या फिर अभी वॉलमार्ट वगैरह जाने के लिए सोचा था, लेकिन अभी उन वॉलमार्ट की वेबसाइट पे चेक किया तो वो भी ओपन हो रहे हैं दोपहर को 12 बजे। के सुपर स्टोर के सामने ही ना, ये देखो यहाँ पर गुड लाइफ जिम है, यहाँ पे मैं आता हूँ, और मुझे लगता है मैं अपनी गुड लाइफ जिम का कार्ड भी घर पे भूल गया। ओहो, मेरा कार्ड जो है वो एयरपोर्ट्स के साथ कनेक्ट होता है और मैं वो कार्ड भूल गया घर पे, लेकिन गुड लाइफ की अच्छी बात ये है इनकी ऐप होती है और इनकी ऐप में भी कोड होता है, तो वो वाला हम कोड यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं तो एंट्री मिल जाती है। तो अभी जिम वगैरह लगाकर फिर बाद में थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए जाऊँगा। अब सारा कुछ तो बंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर जिम ही आया जाए, तो अभी फिर जिम आया हूँ, लेकिन टाइम हमारे पास इतना है नहीं, क्योंकि जिसके साथ मैं आया हूँ उसने 12 बजे जाना है काम पे, तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं जब जिम लगाता हूँ ना, मेरी जिम होती है उसे 2 से 2.5 घंटे की, आधे घंटे में तो मेरा कार्डियो भी नहीं होता, लेकिन आज यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे है तो फिर जिम फुल भरी हुई है, क्योंकि सबको ऑफ है आज, सभी आज जिम आए हुए हैं। मुझे खुलना है सामने सुपर स्टोर, 11:56 हो गए हैं पूरे, तो मैं बाहर आ गया जिम से पहले ही ताकि मैं ग्रोसरी का व्लॉग बना लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बिना ग्रोसरी का व्लॉग बनाए घर जाऊँ आज, क्योंकि डेली व्लॉग चल रहे हैं भाई, आज रात को डालना भी है ना। फिर मैं जाकर आपको दिखाता हूँ, उसके बाहर लाइन लगी हुई है लोगों की, मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता था कि वो 12 बजे खुलेगा आज। वो देखो जरा सामने कितनी लाइन लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है NSLC की, ठेके की दारू पीने के लिए यहाँ पर, और एक लाइन लगी हुई है वहां पर ग्रोसरी की, सुपर स्टोर की। ये देखो सारे के सारे 12 बजे ओपन होगा, बस 2 मिनट रह गए हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, हम भी अब इसी लाइन में शामिल हो जाएंगे। देखो पूरे 12 बजे हुए हैं और पूरे 12 बजे स्टोर ओपन हो गया, पूरे 12 बजे और सभी जा रहे हैं अंदर, इतनी सारी भीड़ अंदर जा रही है एकदम इकट्ठी होकर। तो फाइनली अब आ गए हैं हम अंदर, अब शुरू करते हैं ग्रोसरी का व्लॉग। अब हेल्दी चीज़ों में सबसे पहले क्या आता है अंदर आकर, फ्रूट्स।
अब फ्रूट्स को मैं सबसे पहले आपको प्राइस दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो, सबसे पहले तो ये वाटरमेलन यहाँ पर लगे हुए हैं ना। अब हेल्दी ग्रोसरी में सबसे पहले आता है वाटरमेलन, ये $6 का एक लगा हुआ है, सेव $3, पहले $8 का था, और ये सीडलेस है। तो अभी सबसे पहले इधर फ्रूट्स में आते हैं हम। स्ट्रॉबेरीज तो ज़रूर लेते ही लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम आती है, अगर कुछ भी बनाना होता है, शेक वगैरह, स्मूदी वगैरह, लेकिन चेक करके लो क्योंकि ये ख़राब भी होती हैं। अब ये 500 ग्राम की स्ट्रॉबेरीज है $5 की। ये हैगी हैं ब्लैक बेरीज। अब देखो अलग अलग बेरीज होती है यहाँ पर। ये है ब्लैक बेरीज $7 की ये वाली ब्लैक बेरीज, तोतियाँ जैसी होती हैं। एग्स तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। ये देखो $7.89 के 18 अंडे लगे हुए हैं बस, पर लेकिन मैं मोस्टली 30 अंडे लेता हूँ, 30 अंडे इनके पास है नहीं आज। ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है अब ऑरेंज जूस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेल्दी डाइट के लिए। घर पर तो क्योंकि हम बना नहीं सकते, तो अगर कभी मन करे कोल्ड ड्रिंक की जगह पर यही पी लेना चाहिए। ये भी इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें नकली फ्लेवर वगैरह डाले होते हैं, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक से तो बढ़िया ही होता है। और ये एक जो पैकेट है वो है $3.49 का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैनेडा, टॉयलेट पेपर, जो आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। अब ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन से लेते हो। अगर थोड़े बढ़िया वाले चाहिए, सॉफ्ट वाले चाहिए, तो वो थोड़े से महंगे होते हैं। या तो ये देखो, ये है $22 का पैक, ये पेपर टॉवल है सॉरी, और इसमें 12 हैं टोटल वो। और इसके अलावा इधर ये सारे के सारे टॉयलेट पेपर पड़े हुए हैं, सबका अलग अलग प्राइस है। बाकी फ्रोजन सामान भी काफ़ी मिलता है यहाँ पर। ये इतने हेल्दी तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही घर पे तो बनाते नहीं हैं। ये मोमोज का ही पहले थे, लेकिन ये फ्रोजन मोमोज है। 649 के एक पैक लगा हुआ है, दो लोग आप 10 लोगों से मिलेंगे, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन बढ़िया लगो ये। इसके अलावा जो वेजेज वगैरह चावलों में हमने डालनी होती है, या वैसे होती है, मिक्स वेज हो गई या मटर वगैरह हो गए ना, वो हम घर पे नहीं छीलते नहीं हैं, जो निकालने पड़ते वो नहीं हम करते, लेकिन हम फ्रोजन ही बाय कर लेते हैं उसकी जगह। जैसे ये तो हो गया कॉर्न, एक तो हम ये कॉर्न वगैरह बाय करते हैं, काफ़ी चावल में डालना होता है। तो ये एक पैक है ना, ये दो पैक इन्होंने लगाए हुए हैं, कॉम्बो लगा होता है $6 के दो पैक। तो इसके अलावा यहाँ पर ये फ्रोजन वेजीज होंगी, ये हम मोस्टली ये वाला पैक लेते हैं, इसमें मटर वगैरह सारा कुछ मिक्स होता है ना। और ये एक पैक होता है $6 का, ये बड़ा वाला पैक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, चावल वगैरह में ऐसे ही निकाल कर डाल दो और कुछ नहीं होता इनको, चाहे आप 2-3 महीने रख दो अपने फ्रीज़र में, फिर भी आराम से चल जाएगा। ये देखो यहाँ तक कि, अरे वाह, सूरज की देखो भिंडी लिखी हुई है, काटी हुई उन्होंने दी हुई है। ये एक पैक है $5.49 का, यानी देखी कितनी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्नैपचैट पर फॉलो करते हैं तो आप देखते ही होंगे मैं स्मूदीज वगैरह काफ़ी बनाता हूँ, फ्रूट की, मिक्स फ्रूट की, और उसमें ऑलमोस्ट मैं सारे फ्रूट डालता हूँ, बनाना वगैरह हो गया। बनाना तो मैं फ्रेश लेकर आता हूँ, और इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरीज वगैरह फ्रेश ही लेकर आता हूँ, लेकिन जो बेरीज वगैरह होती है ना वो मैं फ्रोजन बाय करता हूँ। अगर वो खुली हुई लगाना तो काफ़ी महंगी पड़ती है। यहाँ पर ये बैरीज वगैरह काफ़ी महंगी लगाई हुई है, वॉलमार्ट में थोड़ा सा सस्ता सामान होता है। अब ये अगर आप ये वाला पैक लोगे ना, इसमें ओपन बैरी आ सारी, बस इनको पानी में डालो, ये फ्रेश ही ऐसी हो जाती है। और ये $10 के दो पैक हैं हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ में लेने हैं। इसके अलावा ग्रेनोला बार्स काफ़ी बढ़िया पार्ट है, अगर आपने हेल्दी डाइट वगैरह करनी है ना, अगर आपको भूख लगी है तो फिर आप कभी भी इनको उठाकर खा सकते हो, इनसे आपका पेट भर जाएगा थोड़ा सा, और इनसे आपको प्रोटीन मिल जाता है काफ़ी। तो ग्रोसरी हो गई डन, अभी हम जा रहे हैं घर पे। अंदर इतनी भीड़ हो गई थी ना भाई, अच्छे से शूट कर ही नहीं हुआ, मतलब पूरा अच्छे से नहीं शूट कर हुआ, जो जो मैं करना चाहता था पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना दिखा सका मैंने दिखा दिया, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी अंदर। एकदम स्टोर ओपन हुआ ना तो सभी
टूट पड़े थे ग्रोसरी पर, जैसे ज़ॉम्बीज नहीं आने वाले और सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसे आए लोग जैसे लॉकडाउन लगने वाला है, बस आज इतनी ग्रोसरी करनी है कर लो, कल से फिर से स्टोर्स बंद हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ मैं करता हूँ अभी घर पे जाकर। हमें बनाना है एवोकाडो सैंडविच। अभी हेल्दी ब्लॉग का फायदा है कि अगर आपको हेल्दी डाइट ना दिखाई दो तो अभी आपको दिखाऊंगा कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। अभी अभी बस घर पे आया हूँ ग्रोसरी लेके। अब दो तीन रेसिपीज है मेरी जो मैं फेवरेट, जो कभी कभी सुबह मैं खाता हूँ ना, एक तो ये एवोकाडो का सैंडविच बनाकर जो मैं आज बनाऊंगा, बाकी एग्स वगैरह उबाल कर खाता हूँ। एग्स तो मतलब डेली का काम है, तो बाकी एग ऑमलेट वगैरह बनाकर खाता हूँ। तो ब्रेड ऑमलेट भी ऑलमोस्ट एक दो दिनों में मैं एक बार तो खाता ही हूँ। तो लेकिन आज हम बनाएंगे एवोकाडो सैंडविच, ये भी काफी बढ़िया बनता है।